ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड इनफ। 2 साल पहले जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचूँगा जहाँ पर मैं ये सारा इक्विपमेंट और ये सारा एक्सपेंसिव कैमरा गियर अपने खुद के पैसों से कम्फर्टेबली अफोर्ड कर पाऊँगा। बट यही है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करोगे, अपने दिमाग में रखोगे और हर रोज़ एट एनी कॉस्ट काम करोगे, तो आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। आई नो कि मैं ये, बट ट्रस्ट मी, आई गॉट टू 71,000 सब्सक्राइबर्स जस्ट बाई यूजिंग दिस। तो अभी आप जिस डिवाइस के साथ ये वीडियो देख रहे हो, उसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। हमेशा बोलता हूँ और बहुत सारे व्लॉग्स में इस पॉइंट को ब्रिंग अप करता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज मेरे पास हमेशा कैमरा इक्विपमेंट और ये सब नहीं था। समटाइम्स आपके पास जो है उसका बेस्ट इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। आई वॉन्ट यू गाइज टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो। एंड वार्निंग, कुछ पार्ट्स पे मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड आई ऑलमोस्ट फेल लाइक क्राइंग, बट जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो। आज नमस्कार दोस्तों। इतना हेलो भैया, ओटीपी है 237859। 237859 मुझे वो वाला, इतना बड़ा किया। Look at the happiness. Look at that smile. खुशी देखो, खुशी। So finally तीनों के तीनों packages आ गया। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये coffee machine होने वाली है, but I expected more of you to guess what this is। मुझे थोड़ी फट रही है, but anyways ये मेरा नया vlogging setup है। ये तीनों combined, अभी मैं सारे videos एक iPhone XR, ये मेरा phone नहीं है, अभी मैं सारे वीडियोस एक iPhone XR और अपने Sony ZV-1 पे शूट करता था। और Sony ZV-1 जो कैमरा है वो एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है, और उसके थोड़े से डिसएडवांटेज होते हैं। द नंबर वन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसकी वजह से मैंने ये कैमरा लिया इज अ स्मॉलर सेंसर। सो ये जो कैमरा है Sony ZV-1, इसका सेंसर इतना सा है, और एक छोटा सेंसर होने की वजह से दो मेन डाउनसाइड्स होते हैं। सबसे पहले इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी मैं चाहता हूँ, एंड नंबर टू लो लाइट कंडीशंस में, मतलब जब अंधेरा हो जाता है तब ये कैमरा ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाता है बिकॉज बहुत सारा ग्रेन आ जाता है। एंड द थर्ड डिसएडवांटेजेस की इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। अगर मुझे जिम में शूट करना होगा तो मुझे एट एनी कॉस्ट एक पावर बैंक कैरी करनी होती है। एक पूरा जिम शूट भी इससे शूट नहीं हो पाता। ओके, लेट्स अनबॉक्स दिस। एक्चुअली लेट्स अनबॉक्स द बॉडी लास्ट। सबसे पहले हम ये ओपन करते हैं, जिसको ओपन करने के लिए मी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, एंड दैट इज द ट्राइपॉड। ये एक जोबी का गोरिल्ला पॉड है, जोबी 3K, और 3K 5K ऐसे बहुत सारे गोरिल्ला पॉड्स होते हैं, विच I think specifies the maximum weight capacity. मेरा current tripod जो है ये चिंटू सा tripod, इसको मेरा अभी वाला कैमरा झेपने नहीं वाला, which is why I got this. विराग के पास जो है that is the Joby 5K kit. No patience. नहीं तो करना। ये तो बोलो। ये table top clear होना चाहिए। Oh. The piece of art. Yes. It has a stabilization indicator as well. आपका जो भी स्टैंड है वो सेम ऐसे होराइजन पे है, यानी काफी स्टडी है। नेक्स्ट, दूसरी चीज है ये लेंस मुझे बहुत 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 टाइम से चाहिए थी। ये है सिग्मा की 16mm लेंस, जो एक वाइड एंगल लेंस है, पर मेरा जो अभी वाला कैमरा है वो एक APS-C कैमरा होने की वजह से ये एक्चुअल 16mm नहीं होता, उसमें एक क्रॉप फैक्टर लग जाता है, विच मेक्स इट अ 24mm इक्विवेलेंट। उसमें थोड़ा सा फिजिक्स मैथ्स है जो मुझे नहीं बताना अभी। कैसे अंडे के ट्रे में क्यों है? ए प्रोटीन, व्हाट इज इन द अंडे होंगे तो दे नो हु यू आर। ओह
वाओ ये एक आई थिंक 400 ग्राम लेंस है ना 408 ग्राम्स एंड फन फैक्ट ये जो लेंस है इट इज ऑलमोस्ट एज हेवी एज द बॉडी नाइस एंड स्टर्डी ये इधर रख देता है एंड इसके साथ ये भी आता है इसे एक लेंस हुड बोलता है तो लेंस के आगे वाले पॉइंट पे अटैच होता है जो हम बाद में असेंबल करेंगे ए तुम कब है मास्क मैं तो बोलती थी ना यू नीड अ प्रॉपर या N95 मास्क नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ लुक द प्रोफेशनल बाय दिस इज ब्रोकन शब्द बोला एक्चुअली छोड़ यू नो व्हाट ओके ओ माय गॉड वेट दो चीजें हैं बॉक्स के अंदर नंबर 1 थोड़ा जेंटल यार द सोनी A6600 एंड ठीक है वारंटी कार्ड इसमें आई थिंक दो साल की वारंटी होती है आपको कीप द सेफ एक स्ट्रैप नाइस सोनी अल्फा स्ट्रैप देन इन दिस कंपार्टमेंट वी हैव अ चार्जिंग केबल और एक और बार ये वाला जो कैमरा है वो मेरे करंट जो पॉइंट एंड शूट कैमरा है सिमिलर वे में एक यूएसबी केबल की मदद से चार्ज हो सकता है देन वी हैव दिस ये सोनी की जी टाइप बैटरी है जो सोनी के फुल फ्रेम कैमराज में होती है वही सेम बैटरी यश आनंद के पास जो कैमरा है A73 उसमें भी सेम सोनी की जी टाइप बैटरी है और ये बैटरी पूरे दिन चलती है लाइक पूरे दिन आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी ओके दिस इज अ चार्जर अडाप्टर या चार्जर ओ ऑल्सो हर सोनी कैमरा में आता है 64GB का एसडी कार्ड अभी मेरे पास 3-4 पड़े हुए हैं मैं मोस्टली अपने सोनी कैमरा में जो एसडी कार्ड है वो ही यूज करूंगा बिकॉज इसके अंदर जो एसडी कार्ड है दैट इज अ फास्टर एसडी कार्ड फाइनली पता है जब मैं ऋषिकेश गया था तब मनोज के हाथ में मैंने ये देखा तब फर्स्ट टाइम वो सीड प्लांट हुई मेरे दिमाग में कि मुझे भी ये चाहिए अगर अगर मैं जीता तो आपको ये सुंदर सा A6600 दिख रहा है वो मेरा अगर... और दिस इज इट वाओ बैटरी चार्ज होगी इट शुड बी स्टैंडर्ड चार्ज हां मुझे कैमरा टेस्ट आउट करना कैन यू टेक अ ब्रेथ रिलैक्स ओके द बैटरी एंड दैट्स अदर साइन एसडी कार्ड मैं ओपन करता हूं ऑन सेकंड थॉट्स यही वाला यूज करता है बिकॉज़ ये एक्चुअली यही यूज करता है बिकॉज़ मैं अपना सोनी का पॉइंट एंड शूट है वो भी यूज करने वाला हूं बिकॉज़ इवन दो ये एक अच्छा कैमरा है दिस आल्सो हैज इट्स प्लेस मैं इसे अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकता हूं इन नाउ देयर यू गो सेंसर सिग्मा और हर लेंस और बॉडी में ये गोल्डन कलर के स्ट्रिप्स रहते हैं व्हिच यू हैव टू ऐसे मैच देन ओह देयर यू गो ओके ये है नया सेटअप अब नेक्स्ट क्लिप जो आप देखोगे आपको एक काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखने वाला है सो लाइक ओके लवली वी आर रोलिंग यप न्यू कैमरा ओह वाओ दिस इज टू गुड दिस एंटायर सेटअप इज नाइस नील को बहुत टाइम के लिए ये गोरिल्ला पॉड के साथ पकड़ना था आई मीन आई सॉ विराग्स गोरिल्ला पॉड एंड आई लव दैट या बट वाओ दिस बहुत क्या फील आ रहा है यार क्या क्वालिटी है दिस इज टू गुड ऐसे दोस्त होने चाहिए वो अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी ओके ये है क्वालिटी नए कैमरा से और अब मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली ये कैमरा चूज क्यों किया और मेरे दिमाग में थोड़े से और कैमराज भी थे पर सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको पहले भी बोला है इसका सेंसर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू माय पॉइंट एंड शूट और बड़ा सेंसर होने की वजह से लो लाइट कंडीशंस में मतलब ऐसे रात को अगर फॉर एग्जांपल ये लाइट्स बंद भी होंगे ये दोनों लाइट्स अगर बंद भी होंगे तो भी आप मुझे ठीक से देख पाओगे
और ये कैमरा ऐसे लाइटिंग कंडीशन में मैं एटलीस्ट यूज कर पाऊंगा। वरना क्या होता था कि रात होने के बाद मैं ऑलमोस्ट इन एनी केस शूट करना प्रेफर ही नहीं करता था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा कैमरा वो सब कैप्चर नहीं कर पाएगा। ओके सॉरी इफ आई साउंड एक्साइटेड, पर सोने से पहले लाइक जस्ट चेक दिस आउट, मेरे बालकनी के बाहर अभी अंधेरा है, लाइक आँखों से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर कैमरे में सो मेनी डिटेल्स आर विजिबल, इनसेन लो लाइट परफॉर्मेंस। पर अगेन इसका लो लाइट परफॉर्मेंस का जो भी क्रेडिट जाता है वो सिर्फ इस बॉडी को नहीं बल्कि इस लेंस को भी जाता है। ये सिग्मा की 16mm लेंस है और इसका एपर्चर f1.4 है। इसका मतलब f1.4 पे ये लेंस ज्यादा लाइट अलाउ करती है और वो सारा लाइट सेंसर को हिट करता है। सो इस बॉडी का बड़ा सेंसर प्लस इस लेंस का फास्ट एपर्चर हमें एक बहुत ही अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस देता है। मैं जल्दी से ये खत्म करूंगा और आप लोगों से मिलूंगा कल सुबह। And I'll tell you guys reason number 2. So obviously ये कैमरा खरीदने से पहले मैंने बहुत सारे महीनों के लिए रिसर्च किया था और उन सारे महीनों में मैंने काफ़ी सारे कैमरा शॉर्टलिस्ट किए थे और मैंने बहुत कैनन कैमराज देखे, सोनी कैमराज देखे, पर इन दी एंड मैंने ये कैमरा इसीलिए शॉर्टलिस्ट किया बिकॉज वैल्यू फॉर मनी। आप सबको बताया कि कैनन से ज़्यादा मुझे सोनी कैमराज पसंद आते हैं और उनका मेन रीज़न है कि सोनी की इमेज क्वालिटी कैनन से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर रहती है। एंड नंबर 2, मैं अपने पॉइंट एंड शूट सोनी कैमरा पे जो भी पिक्चर प्रोफाइल इस्तेमाल करता था वो सेम पिक्चर प्रोफाइल्स मुझे इस कैमरा पे भी मिलेंगे, इसीलिए जब मैं व्लॉग करूँगा और दोनों कैमराज इस्तेमाल करूँगा कलर्स मैच करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसीलिए मेरा मेन कन्फ्यूजन दो कैमराज के बीच में था, सोनी का A6400 और ये सोनी का A6600। और इन दोनों कैमराज के बीच में दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैंने ये कैमरा लिया। सबसे पहली चीज़ है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। मेरा अभी वाला जो कैमरा है इसके बॉडी में स्टेबलाइजेशन है, इसीलिए आपको जो भी फुटेज दिखता है वो बहुत ही स्मूथ और जिटर फ्री होता है। और ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरी लेंस मैंने पहले से डिसाइड की थी, मुझे ये सिग्मा 16mm लेंस चाहिए और इस लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। एंड नंबर 2, मैं इस कैमरा के साथ पूरे दिन शूट कर रहा हूँ, अभी शाम हो चुकी है एंड माई बैटरी इज स्टिल एट 74%, जो ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैंने एक फुल फ्रेम कैमरा क्यों नहीं लिया, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑनेस्टली मुझे इसके और सोनी A7C के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस नहीं दिखे और मुझे सिर्फ एक फुल फ्रेम सेंसर के लिए 50,000 या 60,000 एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने थे। जो भी हो, मैं इस कैमरा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम श्योर आपने अनबॉक्सिंग करते वक्त मेरे चेहरे पे वो खुशी देखी होगी, बट ये बस एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और sort of मेरा फर्स्ट impressions वाला वीडियो था। एंड द रीज़न कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया इज़ बिकॉज मुझे ये बस यूट्यूब पे मेमोरीज के लिए रखना है। दैट इज़ वॉट दिस चैनल इज़ अबाउट। मैं अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स, माइलस्टोन्स और मेमोरीज वीडियो पे कैप्चर करता हूँ और पूरी दुनिया के साथ शेयर करता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। इफ़ यू एन्जॉयड, लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। मैं इस नए सेटअप के साथ वर्कआउट फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।